हम लोगों को ऐसी फीलिंग करनी चाहिए, हमारे सब सहयोग बने, महाराज जी जैसा गुरु भी हमको मिला और फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये फील करेंगे तो अपने आप इस सत्संग का इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे और जितना महत्व तो हम लोग समझेंगे भगवत विषय का, उतना ही अधिक हम लोग उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए महाराज जी की जो धरोहर है, जो सिद्धांत है, जो कीर्तन है, उसको बड़े प्रेम से अपने पास रखें और पूरी निष्ठा से उसको निभाने का प्रयत्न करें। इससे प्रेम भी बढ़ता जाएगा और जो यहाँ साधना के नियम है कि मौन रह करके आपको साधना करनी है, यहाँ वहाँ नहीं देखना क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं रखना है, सामने की तरफ आपको देखना है, कीर्तन पढ़ना है और कीर्तन का ध्यान बना करके फिर मुख से गाना है। क्योंकि हम लोग कई बातें एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं, इसलिए जब उसको दोहराएंगे तो दोहराने से वो बात मन में पक्की तरह से बैठ जाएगी। इसलिए गाना भी जरूरी है, साथ में ध्यान बनाना भी जरूरी है और ये करते करते फिर अपने आप ध्यान बनने लगेगा। पहले आपको परिश्रम करना पड़ेगा, फिर ये नेचुरल होने लगेगा। जैसे जब कोई पहले पहले खाना बनाना सीखता है तो क्या क्या लिखा है, पहले इतना कप पानी डालो, इतना चम्मच चीनी डालो, इतना नमक डालो, इतना हल्दी, बड़े ध्यान से। और जब एक्सपर्ट हो गया है, ये उठाया वो उठाया, बना दिया, तुरंत तैयार हो गया, कोई मेहनत उसको महसूस नहीं होती। तो कोई काम शुरू शुरू में किया जाए, मेहनत महसूस होगी, लेकिन जब मन भगवान में लगने लगेगा तो नेचुरल ध्यान बनने लगेगा। महापुरुष लोग गंदी से गंदी जगह में बैठे रहते हैं लेकिन मन का ध्यान भगवान में रहता है, उनको उस जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी खैर वो अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो हम आशा रख सकते हैं कि एक दिन वो अवस्था हमारी भी हो जाएगी। उसके लिए प्रयत्न करते रहना। जैसे जब आदमी एक छोटा सा बीज लगाता है और अंकुर निकलता है तो उसकी पहले रखवाली करता है, कहीं कोई पैर ना रख दे, इसको धूप भी ठीक ठीक मिले, पानी भी समय से मिले। लेकिन जब वो बड़ा पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, अब डरता नहीं है, अब तो चाहे उसमें हाथी बांध दो, अब पेड़ नहीं गिरेगा। तो ऐसे ही जिस दिन हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हमको डरने की जरूरत नहीं होगी। फिर चाहे कितना ही संसार का विकार विषय हमको मिले, लेकिन तब तक सतर्क रहना है और साधना करने के लिए उत्साह भीतर से भरना है। साधना करने में लापरवाही नहीं करनी है, बस इतना सा संकल्प हम लोग कर ले, हमारा काम बन जाएगा।